नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। एसटी एक्टी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में भी बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए। राजस्थान के जयपुर अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर देखने को मिला। तो चलिए आपको पटना में चल रहे आंदोलन की डिटेल्स देते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड में बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सूत्रों की अगर माने तो बस अड्डों से बसें बाहर नहीं निकल पाई हैं। बिहार के जहानाबाद में भी बंद समर्थक सड़कों पर नारेबाजी करते हुए देखे गए। बिहार के ही आरा में बंद समर्थक रेलवे लाइनों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में कई शहरों में दुकानें बंद हैं। बंद का असर कई राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क एक्सप्रेस पर दरभंगा को रोक दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बंद का बहुत असर देखने को नहीं मिला है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंद का असर कम बताया जा रहा है। इसी बीच बिहार में ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। तो चलिए इसके बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, भारत बंद का बिहार की राजधानी पटना में दिखा असर। मामला पटना के डाक बंगला चौराहे का है। यहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया। स्थिति लाठीचार्ज तक पहुंच गई तो लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी। ऐसे में पुलिसकर्मी ने एसडीओ को ही गलती से लाठी मार दी। जब अन्य पुलिसकर्मियों ने देखा तो उसे तुरंत समझाया कि उसने किसको लाठी मारी है। औरंगाबाद में भी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। औरंगाबाद में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद को सफल बनाने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। मदनपुर के शिवनाथ बिगड़ा मोड़ के पास NH-19 को जाम कर दिया गया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा कोटे में कोटे का फैसला बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही वजह है कि वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत कई संगठनों द्वारा मंगलवार को भारत बंद का कटिहार में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। बिहार के जहानाबाद से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बंद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प देखी जा सकती है। बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए के समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग के लिए आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान कटिहार के साहिस चौक पर भीम आर्मी, आरक्षण बचाओ, आदिवासी विकास परिषद,
खरवार आदिवासी एकता मंच, बहुजन समाज पार्टी समेत कई संगठनों के लोग बंद में शामिल नजर आए। इस मौके पर मौजूद आरक्षण बढ़ाओ आरक्षण बचाओ के जिला अध्यक्ष भोला पासवान, अनुरंजन पासवान, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष उत्तम पासवान, बहुजन समाज पार्टी के प्रेस कुमार मंडल सहित लोगों ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में बंद का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो आंदोलन और उग्र करेंगे। पूर्वी चंपारण में भी भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। आज सुबह से टोलियों में लोगों ने निकलकर बाजारों को बंद करने का प्रयास किया। बंद समर्थक बाजार को बंद कराते आगे की ओर बढ़ते चले गए और पीछे से सिर्फ दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोलकर अपना व्यवसाय दोबारा से शुरू कर लिया। मोतिहारी नगर के छतौनी और रघुनाथपुर पुल पर बंद समर्थकों ने यातायात को अवरुद्ध किया। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं, 22 जातियों में 4 जातियां डेवलप्ड 4 कहे जाते हैं D4, उनके अलावा 18 जातियां यहां हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमजोर हैं। हम लोगों की मांग है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया जाए, जिसका सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों का वर्गीकरण कर दे। वही वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है, सब हमारे का नेताओं ने भी बात की है। हम भी कहते हैं कि वर्गीकरण जात के आधार पर नहीं कीजिए, लेकिन आप शैक्षणिक आधार पर आप कीजिए। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसका पैरामीटर बताया है 20%, कि 20% तक जिनकी साक्षरता दर है वैसे लोगों को आप अलग शेड्यूल कास्ट में रखिए और इनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। जात के नाम पर लोग कहते हैं कि जाति कर करके ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो हम जाति के आधार पर नहीं करते हैं। चूँकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है, तो हम अम्बेडकर साहब के लोग हैं इसलिए अम्बेडकर साहब के आधार पर ही कहते हैं कि 20% तक जितनी जनसंख्या साक्षरता दर हो उन लोगों को 1% से 20% तक जितनी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में हमको आप आरक्षण दे दीजिए अलग कर। भारत बंद के समर्थन में राजद, क्या बोले तेजस्वी। राष्ट्रीय जनता दल ने 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। ये बंद आरक्षण बचाओ समिति ने बुलाया है। पार्टी ने कहा है कि ये बंद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है, जिसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण के बारे में बात कही गई है। इस फैसले में कोटे के अंदर कोटे की भी बात कही गई है, जिसमें कई समूहों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की असली मंशा खत्म हो जाएगी। RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को छुआछूत खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, ना कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। RJD तब तक विरोध करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नहीं हो जाता और ST/XT के आरक्षण की व्यवस्था बनी रहती है, जो सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का एक जरिया है। भारत बंद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और ये शोषित और वंचित लोगों में नई चेतना पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, ये शोषितों और वंचितों के बीच नई चेतना पैदा करने का काम करेगा और आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ लोगों की शक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के साथ 21 अगस्त को विभिन्न संगठनों द्वारा देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया है और ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस भारत बंद का दिल्ली में कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खाली बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर आदि 100 से अधिक बाजारों के संगठनों के साथ इस मामले पर चर्चा की गई है।
फैसले का विरोध कर रहे लोगों की क्या मांगे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान करने वालों की कुछ मांगे हैं। इसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता आरक्षण पर संसद का नया अधिनियम, केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित डेटा जारी करना, उच्च न्यायपालिका में इन समूहों के लिए 50% प्रतिनिधित्व का लक्ष्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में बैकलॉग रिक्तियों को भरना। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कोई नया फैसला लाएगी या फिर अपने फैसले पर बरकरार रहेगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। ऐसी तमाम स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।